आ चुके हैं फिर से भाई माइनक्राफ्ट में। आज माइनक्राफ्ट में बनाने वाले भाई विलेजर्स के लिए, विलेजर्स के लिए हॉल, विलेजर हॉल। ठीक है भाई, विलेजर हॉल बनाने के लिए हमें बहुत सारे सामान चाहिए। सारे सामान हमने क्राफ्ट करके रखे हैं भाई। ये देखो भाई, इस विलेजर को हमने अपने कार्सल के अंदर ही घर दे दिया था, लेकिन भाई हम अपने कार्सल के अंदर नहीं देंगे घर। यहाँ से जो जो सामान चाहिए हम पहले ले लेते हैं। मेरे को कुछ स्टेयर्स चाहिए, स्टेयर्स यहाँ मिल गए। और देखो भाई, स्टोन की कमी पड़ने वाली है शायद, लेकिन स्टोन इतने काम में हो जाना चाहिए, हो जाएगा। थोड़े बहुत मेरे को वुड भी चाहिए, और हम वुड भी ले आएंगे। ठीक है, थोड़े बहुत वुड भी चाहिए, हम वुड ले आएंगे। ठीक है, पहले हम यहाँ से जो जो सामान है ले लेते। देखो इतना सामान हो चुका, लेकिन और भी मेरे को वो भी चाहिए था ना। वो कहाँ है, ये वाले मेरे को बहुत सारे चाहिए। इतने में हो जाएगा ना काम, इतने में हो जाएगा तो भाई कवर करने के लिए तो चाहिए ये। और ये वाले भी चाहिए, पत्थर वाले भी चाहिए। पत्थर वाले हम यहाँ से क्राफ्ट कर ले गया, थोड़े बहुत पत्थर वाले क्राफ्ट कर लेते हैं यहाँ से। यार देखो थोड़े बहुत क्राफ्ट कर लेते हैं, वहाँ पे काम जरूरत पड़ सकती है। चलो भाई इतने हमने क्राफ्ट कर लिए, चलो देखते कहाँ पे बनाएंगे। पहले यहीं पे कहीं बनाएंगे, ठीक है, इधर बनाएंगे यार। इस तरफ गेट डालेंगे हम ट्रेंडिंग हॉल का भाई। पहले भाई इसको हमें तोड़ना पड़ेगा, चलो इसको हम तोड़ देते हैं जल्दी से। इन सब का काम उसमें लग जाएगा, जल्दी से हम इसको तोड़ते हैं भाई। भाई हम ब्लीचर्स के लिए अलग बनाएंगे भाई, अपना कार्सर भाई अलग होएगा भाई। हम सभी को अपने एक साथ नहीं रखने वाले, अलग ही अलग रहेंगे। सही है वो, ठीक है भाई। हम एक नेदर पोर्टल में जाके कुछ भी लेके आना है भाई। मैं नेदर पोर्टल में गोल्ड बहुत मिलता है, लेकिन भाई हमारे पास गोल्ड की बहुत कमी है यार। गोल्ड मैं लेने नहीं जाता नेदर पोर्टल भाई। नेदर पोर्टल में जाने में बहुत मेहनत लगता है यार। वहाँ पे कोई ना कोई हमें आराम से मार देता है भाई, मारते रहता है कोई ना कोई। इसीलिए भाई मैं नहीं जाना चाहता वहाँ पे। पिगमेंट्स जो होते हैं ना, वो भाई जाने के साथ ही मेरे को मार देते हैं यार। बताओ नेदर पोर्टल में कैसे सर्वाइव करते हैं यार, सर्वाइव मैं हो ही नहीं पाता भाई। आज भी लाइव स्ट्रीम होएगा भाई, लाइव स्ट्रीम जिसको भी देखना है भाई देख सकता है, मैं लाइव करने वाला हूँ। ठीक है, पहले हम इसको तोड़ लेते हैं, उसके बाद हम यहाँ पे काम करेंगे भाई। ऊपर का डिज़ाइन मैंने मस्त वाला बनाया था कि उस पर पानी भी डाल के रह सकते थे, लेकिन भाई मैंने पानी कल ही रिमूव कर दिया था यार। पानी से अच्छा नहीं लग रहा था, इसीलिए मैंने रिमूव कर दिया भाई। इतना सारा पत्थर लगा रखा है यार, स्टोन कॉबल स्टोन, कि ये टूटने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है। लेकिन कोई बात नहीं, हम इसको जल्दी से तोड़ लेते हैं यार। भाई आज लाइव स्ट्रीम करेंगे भाई, जिसको भी देखना है देख सकता है। चैनल को नहीं हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और वीडियो को एक लाइक। भाई वीडियो को फुल वॉच करा करो यार, फिर वीडियो को फुल वॉच करोगे या तो फिर मोटिवेशन भी मिलता है भाई, फिर वीडियो बनाने का मन भी करेगा। नहीं तो भाई करोगे नहीं मोटिवेशन तो क्या है यार, वीडियो बनाने का मन भी नहीं करेगा तो मैं बनाऊंगा भी नहीं यार। थोड़ा देखो भाई मैं वीडियो कैसा बनता है, मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो भाई ज़रूर बताना। ऐसे तो ऐसी बात तो है नहीं वीडियो अच्छी नहीं लगती होगी भाई, वीडियो तो मेरी बहुत अच्छी बनता है यार। आपको पसंद आती है या फिर नहीं ये नहीं पता, लेकिन भाई पसंद तो आना चाहिए आप सभी को, पसंद आता होगा यार। चलो भाई यहाँ का हमने तोड़ दिया, छोटा सा बनाया था ब्लीचर को लेके आके यहाँ पे कैद किया था भाई। हम दोबारा गए थे फिर एक और ब्लीचर को लाए थे, ठीक है, एक और ब्लीचर को लाए थे, इसको तोड़ना पड़ेगा। हमारे पास एक्स नहीं है, हाथ से ही तोड़ दे क्या? चलो भाई हाथ से ही तोड़ देते, एक्स नहीं है तो क्या हुआ, हाथ से तोड़ देते जल्दी से भाई। एक्स भी बनाना पड़ेगा, मेरे को एक्स नहीं है भाई। यार देखो भाई बहुत स्लो टूट रहा है भाई, रात भी हो गया, जल्दी से हम जाके सो जाएंगे और उसके बाद ट्रेंडिंग हॉल बनाना शुरू करेंगे भाई। ब्लीचर के लिए ट्रेंडिंग हॉल नहीं, हॉल बनाएंगे सिर्फ, और ब्लीचर हॉल, ब्लीचर हॉल मतलब वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ ब्लीचर रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा। ठीक है, ब्लीचर हॉल इसीलिए बना रहे भाई। भाई मैंने कितने सारे आयरन कॉलम बनाए थे यार, उस वाले वीडियो में देखना भाई, मैंने कितने सारे आयरन कॉलम बनाए थे भाई, लेकिन यहाँ पे एक भी आयरन कॉलम नहीं है। जल्दी से हम चलते सोने। ये देखो भाई ये सब तो पहले से ही सो चुके हैं, हम भी सो जाते, सोने दे भाई। चलो भाई गुड नाइट, सुबह उठते ही हमें एक हॉल बनाना है भाई, जल्दी से ब्लीचर हॉल बनाना है। चलो भाई, भाई ये बिल्ली क्या कर रही है हमारे कार से लेने तक। चलो भाई जल्दी से, यहाँ पे एक हॉर्स है, हॉर्स की ज़रूरत अभी है नहीं, जब ज़रूरत होगी मैं ले लूँगा। यहाँ पे एक, यहाँ पे रास्ता हम यहीं पे बनाएंगे अपना, अपना रास्ता यहीं पे। एक ब्लॉक में तो काम नहीं होगा, एक और तोड़ देते हैं। यहाँ पे ट्रेंडिंग हॉल बनाना है तो भाई मस्त बनाना पड़ेगा ना। ये देखो इतना हुआ, यहाँ पे गेट लग जाएगा और यहाँ पे ये लगा देते हैं,
जगह देखने में मस्त व्यू आएगा। ऐसे ही हम लगा देते हैं यहाँ पे, 5 लगाएंगे सिर्फ और सिर्फ, 5 में देखते हैं, 5 में अच्छा लगता है देखने में। चलो ये देखो ऐसा बना, अब इसको इधर से कवर करना पड़ेगा, ऐसे पूरा बराबर बराबर करेंगे भाई। ये देखो 1 2 3 4 5, ये 6, ये 7, ये 8, ये 9, ये 10, 11, 12, 13, 14, 15, 15 इधर आ गए, 15 अब उधर भी जाना है मेरे को, 15 इधर भी लेके जाना है। 1 2 3 4 5 6 7, 7 7 7 8 9 10 11 12 13 13 14, यहाँ पे 15। इसको भी शायद कवर करना पड़ेगा मेरे को, यहाँ पे 15 हुआ है भाई, इस वाले पूरे इसको हटाना पड़ेगा भाई, हमें ब्लीचर हॉल बनाना है तो इसको हटाना ही पड़ेगा। ये रेत है भाई, रेत को हटाने में क्या चाहिए, रेत के हटाने के लिए फास्ट हटाने के लिए शवल चाहिए, शवल लेके आता हूँ भाई पहले तो हम। चलो भाई शवल एक क्राफ्ट कर लेते हैं जल्दी से, आयरन तो हमारे पास पड़ा होगा, हम उससे ही क्राफ्ट कर लेते हैं आयरन का एक शवल, शवल क्राफ्ट कर लेते हैं। यहाँ पे शवल बनाने का रेसिपी क्या है, वो शवल एक बना हुआ है स्टोन का एक। ओ भाई चलो शवल तो बना पड़ा है, अब चलते हैं इस शवल से जल्दी से तोड़फोड़ करने। भाई मेरा ये कार्सल आपको देखने में कैसा लगता है भाई, जरूर बताना ठीक है, ये कार्सल देखने में कैसा लगता है। शवल से हम इस पहाड़ को जल्दी से तोड़ना पड़ेगा, यहाँ 15 इधर आया है, 15 उधर भी लेके जाना है मेरे को, और मेरे को बना के लाना पड़ेगा भाई। इतने में तो इतने एक शवल में काम हो जाएगा ना भाई, शवल बहुत जल्दी टूट जाता है, ये देखो भाई इतने जल्दी जल्दी टूट रहा है भाई। डायमंड का होता तो भाई और फास्ट टूटता, डायमंड का होता तो भाई। इधर भी कवर करना भाई, इसी को हम रेत को ही डाल देंगे इधर ठीक है। इतना बड़ा यार ये तो, इतना बड़ा पहाड़ है यार, तोड़ने में बहुत टाइम लग जाएगा इसको, तो देखते हैं भाई टाइम लगे तो कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको जल्दी से तोड़ लेंगे, कोई दिक्कत तो होगी नहीं। 15 ब्लॉक तक ही सिर्फ तोड़ लेंगे, उसके बाद उसको हम बाद में क्राफ्ट कर लेंगे ठीक है। 15 ब्लॉक पहले गिन लेते हैं, उसके बाद मैं तोड़ना फोड़ना स्टार्ट करता हूँ ठीक है। यहाँ से 15 ब्लॉक गिनते हैं, 1 ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इधर से इधर 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 हाँ, इतना पे हम तोड़ देते खाली, इसको हम बाद में और कवर तोड़ेंगे, अभी तो इतना तोड़ लेते, अभी इतने की ज़रूरत है तो हम इतना ही तोड़ेंगे ठीक है, ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इतना देखो भाई, इतना भी बहुत ज़्यादा है, तोड़ने में तो भाई टाइम लगेगा, और सबल मेरा टूटने वाला है शायद, हमें ये खरीदना बनाना पड़ेगा, एक और क्राफ्ट करना पड़ेगा, खरीदना भी पड़ सकता है, खरीद भी सकते हैं हम, बना भी सकते हैं, दोनों कर सकते हैं भाई। चलो भाई इसको मैं कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ भाई ठीक है। भाई मैंने इतना पहाड़ मैंने काट दिया भाई, देखो भाई कितना सारा सैंड इकट्ठा हो गया मेरे पास का। अब मेरे को जल्दी से अंदर जाना पड़ेगा, और मेरे को कुछ डर्ट लेके आना पड़ेगा, डर्ट मैंने कुछ क्राफ्ट कर, डर्ट खुद मैंने माइनिंग करके रखा है शायद, देखता हूँ भाई डर्ट होंगे तो भाई ले लेंगे। और ये सैंड का क्या करें यार, इतना सारा सैंड हो गया है, इन सैंड को फेंकूँगा यार, रख दो यार, रख देते, सैंड की ज़रूरत बाद में पड़ी तो यूज़ कर लेंगे भाई। डर्ट भी बहुत सारे हैं, ले लेते हैं जितने डर्ट की ज़रूरत है भाई, इतने डर्ट में काम तो हो जाना चाहिए भाई। अभी इसको नहीं, सैंड को रखो यार, सैंड की ज़रूरत तो है नहीं अभी मेरे को, इतना भी सैंड की ज़रूरत होती भी नहीं इतना ना, इसीलिए भाई मेरे को कुछ क्राफ्ट करने पड़ेंगे यहाँ से। ये स्टेयर्स मेरे को जितने हो सकते हैं भाई यहाँ पे मैं क्राफ्ट कर लेता हूँ भाई, बहुत ज़्यादा की ज़रूरत होने वाली है वहाँ पे भाई, इतने ज़्यादा की ज़रूरत होगी ना किसी ने नहीं सोचा है भाई, बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मेरे को इसकी, बना लेते जितने भी बन सकते हैं भाई। और मेरे को कुछ लकड़ी के भी बनाने पड़ेंगे यार, लकड़ी के कॉबल स्टोन, मैंने बहुत सारे स्टोन रखे थे यार, बहुत सारे स्टोन रखे थे वो, ये देखो भाई मैंने बोला था ना बहुत सारे स्टोन मैंने रखे, सारे ले लेते हैं, स्टोन का भी बहुत ज़रूरत पड़ने वाला है, और बहुत सारे सामान की ज़रूरत है। लेकिन भाई रात भी इतनी जल्दी हो गया यार, समझ में नहीं आ रहा अब सुबह कैसे करें, जल्दी से सोना पड़ेगा। ये ब्लीचर को अंदर जान, दोनों दो दो भाई निकल गए हैं बाहर, रुको दोनों को अंदर करने दो पहले भाई, जा तू भी जाएगा ले जा, जा जल्दी जा जल्दी जा। चलो बंद कर दो आप, सारे ब्लीचर को अंदर मैंने कर दिया,
भाई ये विलेजर तो कैसा था यार, बाहर में आ गया था बाहर। एक ब्लॉग यहाँ पे मेरे को लगाना पड़ेगा, ऊपर जाने के लिए तो लगाना पड़ेगा एक ब्लॉग, और मेरे को यहाँ पे बहुत सारे स्टैंड लगाने हैं। और रात भी हो चुका है, जल्दी से सोने भी चले जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। जल्दी से यहाँ पे लगा देते हैं स्टैंड, जल्दी फास्ट लगाते हैं भाई। फास्ट लगता नहीं है ना, जितना भी फास्ट करने की कोशिश करो भाई उतना फास्ट लगेगा नहीं। देखो भाई इतना फास्ट भी नहीं लगा रहा, थोड़ा स्लो लग रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, स्लो भी लग रहा है ना। मेरे को सिर्फ और सिर्फ एक हॉल बनाना है। और यहाँ देखो पानी है, पानी के अंदर सैंड भी नहीं डाल सकते हैं, सैंड डालूंगा तो भाई लुक खराब हो जाएगा। इसलिए भाई डर्ट लेके आया हूँ, इतने सारे सारे डर्ट तो लग ही जाएंगे यहाँ पे। मेरे को लग रहा है और डर्ट मेरे को कहीं से फाइंड करके लाना पड़ेगा यार, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है यार, हम कहीं से भी फाइंड करके ले आएंगे। ठीक है, रात भी हो चुका है भाई, यहाँ ज़ॉम्बी आ जाएंगे। ज़ॉम्बी ना आ जाए यार, मैं सीन गलत हो जाएगा फिर। जल्दी से मैं यहाँ काम करता हूँ, उसके बाद मैं जा रहा हूँ सोने। जल्दी से जितने सारे डाटा ना मैं इनको यहाँ लगा देता हूँ, उसके बाद मैं जाऊँगा सोने के लिए। ठीक है, अभी तो ज़्यादा दूर तो जाना नहीं, यहीं तक करना है मेरे को, बाद में आगे का करेंगे। ठीक है, अभी तो हम इतना ही करेंगे, इसको हम बाद में और क्राफ्ट करेंगे। भाई यहाँ ज़ॉम्बी आ चुका है, अब मुझे अंदर जाना पड़ेगा। अरे भैया मेरे ज़ॉम्बी भैया को मार रहा है, ब्लीचर को मारेगा, ब्लीचर को, ब्लीचर को। रुको भाई टॉर्च लगाने पड़ेंगे यार, नहीं तो भाई मेरे एक ब्लीचर को मार दिया यार। रात भी हो रहा है, साला कोई आ नहीं रहा सोने के लिए अंदर। इसीलिए भाई मैंने उनके लिए एक ट्रेंडिंग हॉल बनाया। भाई इतना बड़ा जगह देंगे तो ये ऐसा ही करेंगे भाई, इधर उधर घूमते रहेंगे यार। इसीलिए भाई इनको, चलो भाई हम सो गए, जल्दी से वहाँ चलते हैं टॉर्च लेके। टॉर्च यहाँ पे मैंने बहुत सारे क्राफ्ट किए थे, मेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ दो टॉर्च है, लेकिन ओ टॉर्च ये तो रहा यार, इतने सारे टॉर्च मैंने क्राफ्ट करके रखे हैं और मैं टॉर्च ढूंढ रहा हूँ। क्या लोग हूँ यार, कितना मस्त लोग हो भाई, क्या बात है। इतने सारे टॉर्च है, सारे हम सारे के सारे लगा देंगे यार, नहीं तो सारे विलेजर है ना हमारे, सारे के सारे मारे जाएंगे यार, सभी मार देंगे इनको आके। यहाँ पे भाई ज़ॉम्बी स्पॉन हो जा रहे हैं, यहाँ पे टॉर्च वॉर्च एक भी नहीं है ना, इसीलिए भाई स्पॉन हुए जा रहे हैं। मेरे को जल्दी से सारे जगह एक एक टॉर्च लगा देते हैं, स्पॉन ना हो ज़ॉम्बी अंदर, स्पॉन ना हो। वो भाई भूरा भूरा कलर का भैर, कोई बात नहीं यार, यहाँ जो सारे जगह पहले टॉर्च लगाता, उसके बाद हम वहाँ जाएंगे ट्रेंडिंग हॉल को बनाने। यहाँ पे स्पॉन नहीं हो रहे एक भी, कोई बात नहीं, पहले तो चलो अपना काम करते, उसके बाद आएंगे अंदर। ठीक है चलो भाई, डट तो डट मेरे पास और नहीं है। ये देखो ब्लीचर्स यहाँ पे खड़े हैं, मैं कब बाहर जाऊँ ये कब आए। ठीक है, इसीलिए मैं इसको तोड़ दूंगा भाई, ना ही अंदर मैं आ सकता हूँ, तुम नहीं आ सकते। ठीक है चलो, अब इसको हम कंप्लीट करते, इतना सा हमने कंप्लीट किया था डट लगा के। डट ज़्यादा तो है नहीं हमारे पास, 17 डट बचे हैं यार। देखता हूँ और इन्वेंट्री में, देखता हूँ डट है क्या इन्वेंट्री। ओ भाई इतने डट है, इतने में हो जाना तो चाहिए, लेकिन पता नहीं होएगा या फिर नहीं, इतने कम डट है यार। मेरे को और डट तोड़ने के लिए, या हो जाएगा भाई, यहाँ पे एक पहाड़ है ना डट का, डट के पहाड़ को तोड़ेंगे तो वहाँ से बहुत सारे डट मिल जाएंगे हमें। भाई यार कितना वो हो रहा है, जल्दी करना। ये देखो भाई बहुत उछल रहा है हमारा कैरेक्टर, लेकिन कोई ना भाई, अपने कैरेक्टर का कपड़ा कैसे बदलूँ बताओ। अपने कैरेक्टर का मैं कपड़ा कपड़ा बदलने वाला हूँ, अपने नेम का मस्त वाला बनाऊंगा, बताना कैसा लगा। ठीक है, और डट खत्म हो गया, तब नहीं काम कर रहा यार। देखो भाई इतने सारे डट हमने लगा दिए, इसको भी हम लगा देते हैं, और मेरे को डट शायद तोड़ने और माइनिंग करने जाना पड़ेगा भाई, और डट लेने के लिए जाना ही पड़ेगा भाई, इतने डट में तो काम नहीं होने वाला है, मेरे को और डट लेना पड़ेगा। ठीक है, पहले हम इसको कंप्लीट करते हैं, उसके बाद ये और डट को लाएंगे। भाई ज़ॉम्बी नहीं आ जाते हैं ना, ज़ॉम्बी बहुत खतरनाक है हमारे लिए। भाई देखो अब डट भी ख़त्म हो चुका है, और सामने एक पहाड़ है डट का, हम उसको तोड़ लेंगे जल्दी। चलो देखो भाई अब ख़त्म हो गया मेरा, फाइनली ख़त्म हो गया। चलो वो रहा पहाड़, अब इसको थोड़ा तोड़ते हैं जल्दी से, थोड़ा फास्ट टूट गया भाई, जल्दी से मेरे को चाहिए इसको, तो तोड़ना ही है इससे, इसको इतना ऊंचा तो रखेंगे नहीं, इसको हम तोड़ेंगे ही, इसीलिए भाई इसका यही डट हम यूज़ कर लेंगे भाई। कम से कम 200 या 400 डट मिल जाने चाहिए यहाँ से, 400 डट तक हो गए ना तो भाई वो कंप्लीट, थोड़ा सा ही चाहिए उसको, एक स्टैक सिर्फ और सिर्फ एक स्टैक भी मिल गया तो भाई वो कंप्लीट हो जाएगा।
ठीक है चलो इसको हम जल्दी से कंप्लीट करते हैं भाई। फेस स्कैम वीडियो चाहिए तो भाई बताओ यार, फेस स्कैम वीडियो भी आएगा 1-2 महीने के बाद, फेस स्कैम वीडियो भी आएगा। लेकिन भाई मेरे चैनल को सपोर्ट करो भाई, उसके बाद ही मैं फेस स्कैम वीडियो भी अपलोड करूंगा भाई। मैं सभी से बात करता हूँ भाई, जो भी लिखोगे भाई मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ, ठीक है? जो भी लिखोगे मैं रिप्लाई ज़रूर करता हूँ भाई, किसी से भी पूछ लेना यूट्यूब पे, मैं बात करता हूँ या फिर नहीं भाई बता देंगे सर। चलो भाई इतना डट यहाँ पे लगाना है मेरे को, और इधर भी, इधर का तो डट हो चुका है, 15 ब्लॉग मेरे को लगाने थे, 15 ब्लॉग भाई बहुत ज़्यादा लंबा ये बनने वाला है। मेरे को कोई दिक्कत नहीं है, बाद में हम इसको और बड़ा बनाएंगे भाई, इतना छोटा बनेगा लेकिन कोई दिक्कत तो है नहीं, हम बाद में और बड़ा बना लेंगे। डट तो ज़्यादा है नहीं हमारे पास, डट तो मैंने बहुत ज़्यादा तोड़ लिए, लेकिन इतने में तो काम नहीं ना होएगा। मैं TNT लगा के फोड़ूंगा भाई, TNT लगा के फोड़ेंगे ना बहुत जल्दी होगा भाई। मेरे पास TNT भी बहुत सारे पड़े हैं, TNT है मेरे पास बहुत सारे, उनका भी यूज़ एक बार करेंगे 1-2 बार। चलो इतना हो गया, अब मेरे को ये वाले लगाना पड़ेगा। डट तो हमने लगा दिया, अब इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। 15 ब्लॉक पे जाना है, सिर्फ और सिर्फ 15 ब्लॉक। यहाँ पर है ना गिनती, है इस लाइन तक आएगा 15 ब्लॉक, मैंने गिन के पहले ही गिन के मैंने तोड़ा था ना, इसीलिए अभी भाई गिनने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसको भाई कवर कर देंगे अभी, पहले इसको लेके चलते हैं। अभी इधर वाले डट को हम तोड़ देंगे भाई, इस वाले सैंड को भाई मैं तोड़ रहा हूँ यहाँ का। यहाँ से कोई जॉम्बी वॉम्बी अंदर कूद गया तो ऊपर से, तो भाई हमारे सारे विलेचर मरे जाएंगे यार, फिर हमें दोबारा से जाके लेके आना पड़ेगा विलेचर को, इसीलिए भाई ये मैं नहीं चाहता। इधर हम पानी डालेंगे भाई, इसीलिए मैंने इसको भी तोड़ दिया है। यहाँ पे हम पानी डाल देंगे, कोई जॉम्बी आए तो फंस जाए और इधर से सीधा नीचे चला जाए, इसीलिए भाई इसको भी हमने अभी कंप्लीट नहीं किया। यहाँ भी डट लगेंगे कुछ, यहाँ से लेके इसको इतना सा डट और चाहिए। देखो मैंने इस इधर का कंप्लीट नहीं किया था भाई, रात हो गया था ना इसीलिए भाई कंप्लीट नहीं हो पाया था भाई। पानी में घुस गया, मैं ऊपर चढ़ता हूँ पहले, उसके बाद मैं यहाँ पे कंप्लीट कर देता हूँ। अब मेरे को बहुत कम ही लगाने, एक लाइन लगाना है उसके बाद ये कंप्लीट। चलो देखो ये कंप्लीट हो चुका है, 1 ब्लॉक आखिरी आखिरी। चलो ये कंप्लीट, अब मेरे को इस इधर से एक लाइन खींचना है सिर्फ, जल्दी से फास्ट मोव फास्ट फॉरवर्ड करेंगे आप, बहुत जल्दी करने की कोशिश करेंगे भाई। उधर मेरे को रहने दो भाई, कोई जॉम्बी वॉम्बी अंदर नहीं आ पाएगा, इसीलिए भाई ने मैंने इसको ऐसा किया। देखो इतना सा कंप्लीट हुआ है, अब यहाँ पे एक ट्रेंडिंग हॉल बनेगा भाई, हॉल एक बना देंगे यहाँ पे, अब हम इसे खोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अब विलेचर्स जॉम्बी वॉम्बी कोई भी नहीं आ सकता। मेरे को यहाँ पे इसके ऊपर ये वाले लकड़ी है ना, ये वाले लकड़ी लकड़ी वाले जो लगा रखे, ये भी मेरे को लगाने हैं, इसीलिए भाई इतने सारे मैंने लेकर आ गया था यहाँ, ज़रूरत पड़े तो हम यहाँ लगा ले, इसीलिए मैं इसको भी ले आया था साथ में साथ। चलो भाई इसको मैं कंप्लीट करता हूँ जल्दी से, जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करता हूँ। चलो इसको हम जल्दी से फास्ट करेंगे, थोड़ा फास्ट हो जाए भाई, टाइम ना लगे जाते। देखो भाई ब्लीचर आ गया हमारे इसमें, इस हॉल में ब्लीचर आना स्टार्ट हो गया भाई, अभी ब्लीचर आएंगे अपने ऑटोमेटिक ही। अभी भाई इसको हमें थोड़ा और बड़ा करना पड़ेगा, कार्सल को भाई, कार्सल को मैं थोड़ा और बड़ा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है? और बड़ा कार्सल बनाऊंगा भाई, इतने छोटे कार्सल में काम नहीं होएगा। देखो भाई ये भी ख़त्म ही होने वाला, इसको बनाने के लिए हमें जाना पड़ेगा पेड़ को काटने भाई। पेड़ के काटने के बाद ही हमें कुछ लकड़ियाँ मिलेंगी, लकड़ी से ही बनेगा ये तो लकड़ी का ही है, तो लकड़ी से ही ना बनेगा। चलो हमें यहाँ पे ये वाला ब्लॉक लगाए, वाइट वाला भी लगा सकते थे लेकिन भाई वाइट वाला मिलता नहीं है। अब इतना सा बचा है सिर्फ और सिर्फ, इतना सा इसको कंप्लीट करने के लिए मेरे को जाना पड़ेगा वुड काटने के लिए भाई। वुड काटने के लिए एक्स है क्या यार? अब एक्स भी नहीं है मेरे पास, अब मेरे को जाके एक्स ढूंढना पड़ेगा और पेड़ को काटना पड़ेगा। चलो भाई मैं एक्स ढूंढ के पेड़ को काट के मिलता हूँ। मैंने बहुत सारे वुड ले के भाई इसको हमने तोड़ के बना लिया भाई, एक्स भी क्राफ्ट कर लिया था भाई भाई, लेकिन भाई आयरन मेरे पास बहुत कम था भाई, आयरन नहीं था मेरे पास और गोल्ड भी नहीं था, इसीलिए भाई स्टोन का बनाना पड़ा मेरे को। कोई बात नहीं हमने बना लिया भाई, लेकिन लकड़ी जो चाहिए था मेरे को वो वाली लकड़ी नहीं मिली, ये दूसरे तरह का लकड़ी मिला है भाई। इस लकड़ी का हमने बना दिया, लेकिन भाई यार वो उस तरह का मेरे को मिला ही नहीं लकड़ी कहीं पर भी, इसीलिए भाई मैंने इसका ही यूज़ कर लिया। अब मेरे को इसको थोड़ा सा इधर कंप्लीट करना, इधर 4 और लगा देते हैं और ये कंप्लीट।
हो जाएगा। चलो देखो कंप्लीट भाई। यहाँ पे अभी बहुत सारे ज़ोंबी स्पॉन हो गए थे यार, मेरे को यहाँ एक टॉर्च लगाना ही पड़ेगा भाई, नहीं तो कोई ज़ोंबी वोंबी आके हमारे सारे विलेजर को मार देंगे। इसीलिए भाई यहाँ पे हम लगा देते। देखो क्रीपर भी मरा, यहाँ पे हमारे एक ज़ोंबी को मार दिया यार, क्या सोचा है, ज़ोंबी ने भी मार दिया है। चलो भाई अब यहाँ पे अपना एक ट्रेंडिंग हॉल बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से बनाने के लिए पहले एक अलग कलर का वुड लेना पड़ेगा मेरे को यार। अब मेरे को फिर से जाना पड़ेगा, कोबल स्टोन है, कोबल स्टोन से ही बना लेते, चलो कोई दिक्कत नहीं है। मेरे पास तो भाई उतना सामान नहीं है, इसीलिए भाई इसी से काम चला लेते। यहाँ पे मेरे को 4 ब्लॉक ऊपर उठाना, एक दो 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 ही रहने दो, 2 ब्लॉक ऊपर जो उठा देते एक और। ये देखो भाई 3 हो गया ना, 3 ब्लॉक या 4 ब्लॉक, चार चार मेरे को हर तरफ उठाना है, ठीक है। इसको हम चार चार बाद में उठाएंगे, पहले एक अच्छा सा बाउंड्री बना लेते, उसके बाद हम इसको ऊपर उठाएंगे, ठीक है। एक बाउंड्री बना लेते, उसके बाद मैं इसको थोड़ा थोड़ा ऊपर करूँगा भाई। ट्रेंडिंग हॉल बना रही है, हॉल भाई हॉल इतना बड़ा हमारे पास है नहीं, इसीलिए भाई हम ज़्यादा बड़ा हॉल भी नहीं बनाएंगे। इसमें सिर्फ और सिर्फ ब्लीचर ही रहेंगे, मैं नहीं रहूँगा ना, इसीलिए भाई मेरे को सोच के बनाना पड़ेगा इसको। हम इधर एक लाइन छोड़ो क्या, नहीं इधर एक लाइन छोड़ दो क्या, नहीं आप छोड़ दो, इतना छोड़ देते उधर से ब्लीचर्स भी आएंगे। अरे यार ब्लॉग ही गलत जगह लग जा रहा है बार बार। चलो अब इसको लगाते हैं भाई। वीडियो मेरा कैसा लगा भाई कमेंट में ज़रूर बताना। और चलो भाई इतना सा हो गया, इधर हम इतना छोड़ देंगे भाई, इतना छोड़ेंगे तभी तो यार ब्लीचर व्लीचर इधर से उधर घूमेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं रास्ता तो फिर वो घूमेंगे किधर, इधर इधर, इतना में काम हो जाएगा ना। इधर कितने ब्लॉक छोड़े, 2 ब्लॉक छोड़े हैं ना, तो वो 2 ब्लॉक बहुत है यार जो हम ब्लीचर्स के लिए। चलो इतना हो गया, अब मेरे को यहाँ पे चार चार ब्लॉक ऊपर लेके जाना है। अब ब्लीचर्स अपना अंदर आएंगे और रहेंगे इधर, ये जॉइंट है, ये ज्वाइंट है, यहाँ पे 2 ब्लॉक का छोड़ा है मैंने गेट लगाने के लिए। वहाँ पर एक गेट लगेगा, इधर खुला ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसके ऊपर हमें चार चार ब्लॉक ऊपर जाना है, 1 2 3 हो गया, ये 4 ब्लॉक। अब यहाँ पे हम जल्दी जल्दी लगाते जाते हैं, जल्दी जल्दी लगाते हैं इसको भाई, ब्लॉक कम ना पड़ जाए यार। मेरे को कुछ वो ब्लॉक भी लाने पड़ेंगे यार, डट भी लाने पड़ेंगे मेरे को, डट डट के नहीं, मैं कोबल स्टोन का, ओनली कोबल स्टोन का बनाते हैं आज भाई, बाद में हम इसको सही कर लेंगे भाई, ठीक है। अभी तो ओनली कोबल स्टोन का बनाते हैं। कोबल स्टोन का भाई मेरा पास इतना वो नहीं है यार, पीसी होता तो भाई कोबल स्टोन नहीं, वो वाला स्टोन यूज़ करता, अलग वाला स्मूथ स्टोन यूज़ करता भाई। स्मूथ स्टोन बनाने में भाई बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए भाई हमने ओनली कोबल स्टोन का काम किया है। कोबल स्टोन से भाई हो जाए तो भाई मस्त व्यू आएगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। अब यहाँ पे कुछ स्टेयर्स लगाने पड़ेंगे मेरे को, अच्छा सा लुक देने के लिए मेरे को कुछ स्टेयर्स भी लगाने पड़ेंगे। स्टेयर्स मैंने बना के लाया है भाई, उसको हम लगा लेंगे। पहले इसको हम चार चार ब्लॉक सारे तरफ उठा देते हैं, उसके बाद देखेंगे। जल्दी जल्दी फास्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ भाई, लेकिन भाई वीडियो बहुत लंबी हो चुकी है उसके लिए, तो भाई सॉरी है। जल्दी से हम इसको कंप्लीट करते हैं हॉल, उसके बाद यहाँ पे ब्लीचर्स अपने आप ही अंदर आते रहेंगे, हम सारे बेड हम यहाँ पर लेकर आ जाएंगे, वो खुद में खुद आते रहेंगे, फिर मेरी ज़रूरत नहीं होगी यार, वो खुद ही जहाँ भी सोए, बेड यहाँ होगा तो यहीं ना सोएंगे, बेड जहाँ रहेगा वहीं सोएंगे भाई। हमारे घर में भी यही होता है, बेड जहाँ लगा रहता है वहीं सोते हैं। जल्दी से इसको हम कंप्लीट करते हैं, इधर इसको भी भाई अभी तो थोड़ा सा बचा है भाई, इसको कंप्लीट करते हैं जल्दी से, जल्दी से कंप्लीट करता हूँ इसको मैं। चलो भाई आप देखो कंप्लीट होने ही वाला है, इसके ऊपर खाली एक और एक छत बनाना है, उसके बाद ये कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब इसके ऊपर एक छत बनाते पहले, चलो इतना हो गया। इधर इधर ब्लॉक लगा देते हैं, एक इधर नीचे, इधर इधर, देखो भाई इतना हो चुका। अब इसके ऊपर एक छत बनाना है, छत बना दे, इसी का बना दे क्या, इधर का ये तोड़ना पड़ेगा, ये देखने में अच्छा नहीं है। गया नीचे गया, यहाँ पे कुछ सीढ़ी लगा लेते, सीढ़ी हमारे पास है 5 5 सीढ़ी यहाँ पे लगा देते ऊपर चढ़ने के लिए भाई, अभी के लिए, बाद में हम इसको रिमूव कर देंगे यहाँ से, ठीक है। अभी तो ऊपर चलते हैं, अब इसको मैं कंप्लीट करता हूँ जल्दी से फास्ट, जल्दी जल्दी लगाते हैं भाई। उसके बाद
भाई एक साइड में लग गया, इसको हम तोड़ देते हैं भाई पहले तो। भाई लुक खराब हो जाएगा यार देखने में। अभी यहाँ पे सारे बेड अभी लाके हम लगा देंगे भाई। अरे यार इसको भी तोड़ना पड़ेगा। चलो भाई मैं इसको कंप्लीट करने के बाद मिलता हूँ भाई। फाइनली भाई हमने ऊपर का कंप्लीट कर दिया भाई। ऊपर सिर्फ और सिर्फ कांच लगाने के लिए बाकी है भाई। मैं कांच लगा देता हूँ, अभी रुको ऊपर जाता हूँ भाई। भाई मैंने आधा से ज़्यादा कांच लगा चुका हूँ भाई। देखो भाई इतना मैंने कांच लगाया, मेरे को और थोड़े बहुत कांच की ज़रूरत है यार। इतने कांच में तो काम नहीं होएगा, मेरे को कांच की ज़रूरत है। हम कांच लगाते हैं यहाँ पे। देखो भाई इतना सा बचा है कांच और इसको लगाना। हम जब तक करते हैं भाई, वहाँ से बेड लेके आते हैं सारे। वहाँ से हम सारे के सारे बेड लेके आते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं भाई। जितना भी बेड है ना सारे के सारे हम इधर लगा देंगे और ये ब्लीचर्स अपने आप ही अंदर जाएंगे, ठीक है। इनको हम बोर्ड में बिठा के अंदर कर देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बोर्ड एक क्राफ्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे है यार, कहाँ गया भाई? मैं क्या लेने आया था यहाँ पे? हाँ भाई पता है मेरे को, बेड लेने आया था। लेकिन यहाँ से हम 7 शीशे मिले, सिर्फ और सिर्फ 7 शीशे भाई। 7 शीशे में क्या ही काम होगा? गिलास भाई, गिलास बोलो या शीशा। चलो यहाँ से जो सारे बेड हम ले लेते हैं। एक बेड भाई हमारा है, एक बेड छोड़ के भाई, एक बेड हमारा है यहीं पे। नहीं भाई हम भी उनके साथ, उनके यहीं पे बेड रहेगा, ठीक है भाई। जो काम करनी है सामान हम यहाँ पे पहले हम स्टोर करवा देते हैं भाई। ये वॉल मिल काम करनी है, डट भी काम करनी है, ये सीढ़ी भी काम करनी है, ये एक्स भी काम करनी है, ये स्टोन भी, ये डट भी। जो जो काम के सामान नहीं है हम उसको नहीं लेंगे, ठीक है। ये पेड़ भी अभी नहीं लगाना है, ये भी नहीं लगाना है, ये सीड भी अभी नहीं चाहिए, ये डट भी नहीं चाहिए, ये टॉर्च टॉर्च अभी चाहिए, टॉर्च चाहिए। चलो भाई सारे बेड आ जाएंगे ना, सारे बेड आ गए। चलो भाई सारे के सारे बेड वहाँ पे लगा के आते पहले। उसके बाद भाई शीशे कितने बन गए यार? शीशा भी ले लेते हैं, बार बार कौन आएगा यहाँ? शीशा कितने बने? 5 ले लेते हैं। 13 शीशे में काम हो जाएगा तो भाई हो जाएगा, नहीं हुआ तो भाई दोबारा आना पड़ेगा यहाँ पे हमें शीशा लेने के लिए। भाई शीशा बोलूँगा भाई, इसको गिलास बोलते हैं लेकिन भाई मैं शीशा बोलूँगा। अभी यहाँ पे एक स्टेयर्स भी लगेंगे, स्टेयर्स मैंने अभी नहीं लगा, स्टेयर्स भी लगा देंगे, ठीक है। पहले यहाँ पे हम सारे के सारे बेड लगा देते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 भाई 9 बेड है यहाँ पे। 9 बेड लगाएंगे एक लाइन से। 1 बेड 2 बेड 3 बेड 4 बेड 5 बेड 6 बेड 7 बेड, ये 8 बेड और इधर 1 9 बेड। भाई देखो भाई 9 बेड लगा चुके हैं और 9 बेड इधर भी लगा देंगे और ऊपर के ये शीशा कंप्लीट करते ऊपर जाके। ये देखो भाई एक ब्लीचर आ गया यहाँ पे। अभी ये ब्लीचर यहीं पे रहेगा, हम उनको भी ले आते पहले एक बोर्ड बना के। पहले यहाँ पे हम शीशा लगा देते हैं, उसके बाद जाएंगे। इतने शीशे में काम हो जाएगा, 13 शीशे में तो भाई काम सही है। फिर नहीं हुआ तो भाई दोबारा जाना पड़ेगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वहाँ पे हमने स्मेल्ट होने के लिए दिया है भाई, अपने आप क्राफ्ट होएगा, हम लेके आएंगे और यहाँ पे सिर्फ स्पेस करेंगे भाई, प्रेस करेंगे भाई, लग जाएगा। देखो भाई अब मेरे को यहाँ पे कम से कम 10 शीशे और चाहिए भाई। यह ब्लेचर तो आ गया है, एक ब्लेचर आ गया है और उनको लाने के लिए भाई मेरे को क्या करना पड़ेगा अभी? भाई ब्लेचर को मैं बाद में अंदर डाल दूंगा, अभी तो भाई एक शीशा लगाएंगे, उसके बाद भाई देखते क्या करना है, ठीक है। यहाँ से हम शीशा लेते हैं भाई, भूख भी लगा है बहुत तगड़ी वाली। यहाँ पे खाना है क्या भाई? खाना तो नहीं है, भूख बहुत तेज लगी लेकिन खाना नहीं है। कोई बात नहीं, यहाँ से हम इतने शीशे में हमारा काम हो जाएगा, जल्दी से चलते वहाँ शीशे में डाल देते हैं। उसके बाद भाई मजा ही मजा, ठीक है भाई। पहले चलो ऊपर ऊपर जाके इसको हम लगाते हैं, उसके बाद ये हमारा बन चुका है। यहाँ पे स्टेयर्स मैं बाद में लगा दूंगा भाई, स्टेयर्स लगाने में भाई बहुत टाइम लग जाएगा, इसीलिए भाई स्टेयर्स बाद में लगाएंगे। इस शीशे को लगाते हैं पहले तो, उसके बाद देखेंगे। अरे यार ऊपर जाना है, मैं नीचे क्यों आ रहा हूँ? भूख भी लगा है, ऊपर से गिर भी रहा हूँ। देखो भाई अब इतना सा कंप्लीट करना है मेरे को। ये मैंने ऐसा क्यों किया बताओ? अंदर क्योंकि रोशनी चाहिए, रोशनी में यहाँ पे कोई स्पॉन नहीं होगा, इसीलिए मैंने ये शीशे का यूज़ किया है। चलो भाई आज के वीडियो में इतना ही भाई। आज का वीडियो पसंद आया हो तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करना और बताना भाई नेक्स्ट वीडियो किस चीज़ पे बनाओ, ठीक है भाई। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्या बनाऊँ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। I'll be dreaming. I'll be dreaming.
I'm dreaming.